संपूर्णता तो इस कार्यक्रम को तभी मिल गई जब ये संस्था पुनर्जीवित हुई और पूरी शिद्दत के साथ पुनर्जीवित हुई। तो ये संपूर्णता उस सोच के साथ ये जुड़ चुकी है। हमारे जैसे लोग यहाँ आकर क्या कहेंगे, मतलब जो संपूर्णता देगा, लेकिन एक जो आपसे महसूस होता है, जो एक ले पर्सन के अंदर जाता है, और साथ साथ जो अपेक्षा होती है, और अपेक्षा जिस तरह से पूरी होती है तो जो मन भरता है, ये सारी चीज़ें ज़रूर मैं यहाँ उनकी तरफ से उसको अभिव्यक्त करना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये कानपुर संगीत नाटक एकेडमी अब जब साहित्य, कवित्व, रचना, संवेदना और भाव ये सब एकेडमी में आ जाएं तो शानदार होता है। तो ये सब शानदार होने जा रहा है और मैं इसको बहुत ओब्लाइज्ड फील कर रही हूँ कि आपके इस समय के साथ मैं जुड़ पा रही हूँ, आपके साथ हूँ। मेरा विश्वास है, इसलिए मैं इसको बहुत अपना सौभाग्य कह रही हूँ। एक शब्द होता है सौभाग्य कि नहीं भाई कार्यक्रम में आ गए, इसलिए नहीं, ये मेरा सौभाग्य वास्तव में है क्योंकि मेरा विश्वास बहुत ज़्यादा है और विश्वास के लिए तार्किक आधार भी है। क्योंकि मैं नहीं समझती कि अगर सन्यासियों का विद्रोह आनंद मठ और वंदे मातरम नहीं होता तो जिस परिवेश के रेखांकन के साथ उस कालखंड को चित्रित किया गया और वो जो प्रेरणा निकल करके उस सन्यासियों के विद्रोह से आई, एक मठ से आई, वो जो चित्रांकन रेखांकन हुआ और वो जो प्रेरणा उपजी है, जिस क्वालिटी की प्रेरणा वहां से आई, वो यहीं से आई है। और हर कालखंड के अंदर हर समय की अपेक्षा होती है। मैं समय कह रही हूँ, समाज नहीं कह रही। हर समय की इस भाव से, इस रचना धर्मिता से, इस साहित्य से, इन सारी चीज़ों से, इन संवेदनाओं से, ये नब्ज है शरीर की, ये पल्स है, यहीं से पूरे शरीर का खाका खींचा जाता है। और इसलिए विश्वास है मेरा और इसलिए मैं इसे अपना सौभाग्य कह रही हूँ कि मैं आज पल्स से जुड़ रही हूँ समाज की। तो ये पूरा यहाँ से ये दर्पण है जिसको कहा जाता ना, कि एक कहा जाता है कि हाँ साहित्य समाज का दर्पण है, निबंध लिखते हैं कक्षा 8 से। तो ये जो साहित्य समाज का दर्पण है, ये बहुत कुछ कहता है। और ये सही है कि बिल्कुल ये दोनों मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन इतना समझ पा रही हूँ कि ये दोनों समानुपात में चलता है, दोनों एक दूसरे के सामने चलता है। जो व्यवस्था, जो सत्ता इनका सम्मान कर पाती है, मतलब वो अपना चेहरा देख पाती है, और अपना चेहरा देख पाने की क्षमता जिसके अंदर है तो वो कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना साफ है, और उसकी इच्छा शक्ति, उसकी प्रतिबद्धता, उसकी दिशा कितनी स्पष्ट है, ये भी वहाँ से दिखाई देती है। तो जहाँ संवेदनाएँ, जहाँ रचना धर्मिता, जहाँ भाव का सम्मान है, वही व्यवस्था भी उत्कृष्ट है। और ये इसलिए दोनों वाइस वर्सा चलता है। मैं ये सब अपने मन की बातें आप सबसे शेयर करने लगी जो मुझे लगता है, लेकिन मैं किन शब्दों में इस संस्था के इतने जोरदार तरीके से अस्तित्व में आने के लिए आदरणीय मिश्रा जी का, आदरणीय प्रदीप सक्सेना जी का, प्रदीप श्रीवास्तव जी, कमल मुसद्दी जी केवल यहाँ ही नहीं संभाल रही, वो पूरा का पूरा संभाल रही हैं। जहाँ जहाँ कहीं भी ठीक होने की स्थिति होती है, वो अपना संबल वहाँ जोड़ देती हैं।
और पूरी की पूरी रचना धर्मिता को उनका वो संबल मिलता है यहाँ कानपुर के अंदर। तो मैं जो यहाँ पर जो वरिष्ठ जनों का, समाज के भी मैं जिन वरिष्ठ जनों को देख रही हूँ, सम्माननीय गोपाल जी बैठे हुए हैं, हमारे आदरणीय कंतु भैया भी दिखे थे, कहाँ हैं जी? जी नमस्कार। हमारे सर बैठे हुए हैं सामने, केमिस्ट्री पढ़ाई है उन्होंने, जहान सिंह यादव जी। तो समाज के मैं इस प्रकार के लोगों को यहाँ से जुड़ा जब देखती हूँ इस प्रकार की गतिविधियों में, तो मन में बहुत आश्वस्त होती हूँ कि जब समाज की अगुवाकारी करने वाले लोग हर दृष्टिकोण से इस प्रकार से जुड़े होते हैं साहित्य धर्मिता से, तो दिशा भी ठीक दिशा में जाती है। मैं आज इस एहसास के साथ कि ये एहसास हुआ है, संगठन आया है, और सम्माननीय बीना जी का एहसास उस पहले कार्यक्रम से साथ जुड़ गया है, तो ये कि पूरा का पूरा एहसास जो हो रहा है वो एहसास किसी बहुत बहुत सकारात्मक, और ये जो कालखंड चल रहा है ये हमारे देश के लिए अमृत काल है। और ये पूरा का पूरा जो बीना जी ने यहाँ बोला वो यौवन नहीं तो क्या था, 100% यौवन था। तो वो जो यौवन आया है और ये जो आया है वो जबरदस्त है, ये यौवन आपका बरकरार रहे इसी तरह से, है ना, और किशोरावस्था में चला जाए, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और सम्माननीय वीणा जी को मैं बहुत 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 शुभकामनाएं दे रही हूँ कि इसी प्रकार की रचनाएं वो प्रस्तुत करती रहेंगी, और मैं जो उनको सुन पा रही हूँ बहुत सारा उनके लिए, अभी की पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा है, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा होगा। मेरी बहुत सारी आपको शुभकामनाएं हैं। और सम्माननीय गीता जी को बचपन से देखा है, माँ के साथ संघर्ष करता हुआ देखा है, आज इस प्रकार से यहाँ देख रही हूँ बहुत अंदर से अच्छा लग रहा है। सम्माननीय मधु जी हैं, आप सबको जो यहाँ जो कवित्री जो यहाँ पर सभी सम्मानित हुई हैं, मैं इनमें से ज़्यादातर लोगों से मेरा सौभाग्य है कि पहले भी परिचय आया है। तो कई बार ऐसा होता है कि सम्मान जब कर रहे होते हैं तो सम्मान स्वयं सम्मानित होता है, तो ये ऐसा ऐसी अनुभूति भी आती है। तो ये सम्मान स्वयं सम्मानित हो रहा है यहाँ पर, और ये क्षेत्र ही ऐसा है, ये क्षेत्र ही ऐसा है, इसलिए ऐसा होता है। और जो मुझे सबसे पहले करना चाहिए था मैं वो सबसे आखिरी में कर रही हूँ, आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा मांग रही हूँ क्योंकि मैं बहुत विलंब से आई थी। और हम लोगों की बहुत सारी, मैं कैसे उसको डिस्क्राइब करूँ, बहुत सारी व्यस्तताएं होती हैं, और व्यस्तताओं के कारणों की बड़ी सारी विषमताएं होती हैं। तो ये सारी विषमताओं को करना, तो मुझे आज ये सम्मान करने का अवसर आपने प्रदान किया, मैं उसका आभार करके उसको कम नहीं करना चाहती, उसको शब्द, इस फीलिंग को मैं शब्दों में नहीं अभिव्यक्त कर सकती, बस धन्यवाद आपको कह रही हूँ। यहाँ मेरे बहुत सारे बड़े उपस्थित हैं, सबको प्रणाम कर रही हूँ, और आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाह रही हूँ। और सम्माननीय कमल जी के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ वो खूब स्वस्थ रहें, और उनका आशीर्वाद ऐसे ही हर मंच पर मिलता है।